हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ कंपलसरी में आपके जो ग्रामर आती है उसमें लेटर राइटिंग जो होती है, ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, यानी कि ऑफिशियल लेटर लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑफिशियल लेटर लिखने किस किस पे लिखा जाता है। तो इंक्वायरीज के लिए, कंप्लेंट रजिस्टर के लिए, या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने या देने के लिए ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आपको विनर मर्श का प्रयोग करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ऑफिशियल लेटर में अनौपचारिक पत्र की ही भांति ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता व उसकी नीचे तारीख लिखते हैं। इसके पश्चात बाईं ओर ही प्राप्त करने वाले को पद तथा पता लिखा जाता है। पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, इसलिए सब्जेक्ट में इसी क्रम में आगे लिखते हैं। इसके पश्चात अभिवादन का शब्द सर या मैडम लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर की मुख्य बातें जो होती है, मेन बॉडी लिखी जाती है, मेन लिखी जाती है। अंत में बाईं ओर ही प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक आदि को संबोधित प्रार्थना पत्रों में यूअर्स ओबिडेंटली तथा अन्य अधिकारियों के संबोधन में यूअर्स फेथफुली संबोधन किया जाता है। इसके नीचे लिखने वाले के हस्ताक्षर किए जाते हैं और नाम लिखा जाता है। प्रारंभिक अभिवादन और प्रार्थना पत्र के प्रारंभिक में वे अंतिम भाग के प्रचलित तरीके निम्नांकित हैं। अब कैसे लिखना है ये बताता हूँ। तो आप ये देखिए, अगर पर्सन्स के लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन आएगा और पत्र समाप्ति। टीचर्स को लिख रहे हैं तो सर या मैडम आएगा। अब सैल्यूटेशन क्या होगा, मिस्टर या मिस या डॉक्टर है जो भी उसका। ओबीडियंटली लिखा जाएगा और अगर ऑफिसर्स को लिख रहे हैं तो भी सर या मैडम आएगा और फेथफुली लिखाएगा। यानी कि आपका तरीका क्या है, पर्सन कौन सा है, टीचर है, ऑफिसर है, सैल्यूटेशन में सर या मैडम, और सब्सक्रिप्शन यानी कि आप अगर टीचर्स को लिख रहे हो तो ओबीडियंटली आएगा और ऑफिसर को लिख रहे हो तो फेथफुली आएगा। अब ऑफिशियल लेटर का जो आदर्श प्रारूप है वो ये है कि सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर आपका जो ऑफिस वाला है, प्रिंसिपल, हेड टीचर्स, मैनेजर्स, उसकी डिटेल, उसका एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, आपको किस सब्जेक्ट पे लिखना है, आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी है तो उस पर लिखना है, सर या मैडम लिख के छोड़ देना। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पर पूरा मैसेज लिखना है, फिर यहाँ पर यूअर्स ओबीडेंट या फेथफुली लिखना है। ये एक फॉर्मेट है। अब कैसे लिखना है, तो देखो इंक्वायरीज हमको लिखनी है कि मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ द, तो क्वेश्चन क्या है, यू आर राजमोहन रिजाइडिंग एट 12 नया बाजार मोदी, राइट लेटर टू द पोस्ट मास्टर इंक्वायरिंग अबाउट अ मनी ऑर्डर विच यू सेंट बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। यानी कि आपने एक मनी ऑर्डर सेंड किया था बट वो मिला नहीं, तो उसके बारे में इंक्वायरी जाननी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एड्रेस आएगा, सिटी का नाम आएगा जैसे कि आपने लिखा, डेट आएगा, फिर किसको लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर को, उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट में क्या लिखा आपने, मिसिंग मनी ऑर्डर, सर लिखा, फिर आपने डिटेल लिख दी, आई सेंट अ मनी ऑर्डर ऑफ 1000 rupees टू माई यंगर ब्रदर राधामोहन शर्मा जयपुर ऑन 15 अक्टूबर, अ मंथ हैज़ पास बट द मनी ऑर्डर हैज़ नॉट बीन रिसीव, एक महीना हो गया और मनी ऑर्डर नहीं मिला, तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मैटर को देखें एंड टू द नीडफुल इमीडिएटली, और जो भी नीड जरूरत है वो जल्दी से जल्दी देखें। थैंक यू यूअर फैथफुली, यानी कि हम लिख रहे हैं पोस्ट मास्टर को तो फैथफुली लिखा, अगर हम टीचर्स को लिखते हैं किसी रिगार्डिंग तो ओबीडियंटली आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह से हम लेटर लिखेंगे, और लेटर लिखने का तरीका यही होता है। ये 4 नंबर का टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी इंग्लिश में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।